Welcome to Milestone Online Study. I'm Professor Lav Singh and we're going to give you a best IELTS reading series, especially in Punjabi. बच्चे जिवें तुसीं देखिया एग्जाम्स दे विच काफ़ी बार अपनी रीडिंग्स रिपीट हुई ने गियाँ, बहुत ज़्यादा रीडिंग्स रिपीट हुई ने, तो असी रिपीटड रीडिंग्स भी इस चैनल के उपर अपलोड कर रहे हैं। उहदे नाल नाल असी जिवें तुहानूं दस्सिया भी 500 तो वध असी रीडिंग्स इस चैनल के उपर अपलोड करांगे, तो 100 प्लस रीडिंग्स असी ऑलरेडी इस चैनल के उपर अपलोड करतीआं राजे। थैंक यू सो मच साडा, क्योंकि तुसीं इस चैनल नूं, इस इंस्टीट्यूट नूं पंजाब दा नंबर वन रीडिंग स्पैशलाइज्ड इंस्टीट्यूट बनाया। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर रीडिंग। हैलो एवरीवन, वेलकम टू माइलस्टोन ऑनलाइन स्टडी। तो अज आप करन जा रहे हैं आयल्स अकैडमिक रीडिंग का एक होर पैसेज, जिदा कि नेम है द कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड हाउ इट ब्रॉट नेम टू लुइसा कार्लिल। बेसिकली ये पैराग्राफ आपां नूं दस्या होया है, मतलब आप जो पैसेज पढ़ा तो कार्बोलिक स्मोक बॉल बारे दस्या होया, तो दस्या गया होया भी वो लुइसा कार्लिल कोल किवें आया, ठीक है, मतलब लुइसा कार्लिल किवें नाम पिया उहदा, ठीक है जी। तो जे आप गल करिए टाइप ऑफ क्वेश्चनस की, तो फस्ट क्वेश्चन टाइप है जी ट्रू फॉल्स ते नॉट गिवन। आ फोर अपने को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, ये अपन पता ही है, जे स्टेटमेंट एग्री कर रही हो तो ट्रू, जे स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो फॉल्स, जिस स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं हैगी पैराग्राफ दे विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग तो नॉट गिवन। सैकेंड टाइप क्वेश्चन है जी अपने को एक डायग्राम है, उन्होंने लेबल करना है, आप नो मोर दैन टू वर्ड्स, आप मतलब टू वर्ड्स फिल कर सकते हैं, वन वर्ड फिल कर सकते हैं, पर उस तो बाद नहीं, तो ये डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया एक। नैक्सट है जी अपने को लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब फोर अपन परसन दिते हुए हैं तो स्टेटमेंट्स दी हुई, आप दसना भी कि स्टेटमेंट की कि इंसान ने कही सी। लास्ट अपना एक क्वेश्चन है जी MCQ, ठीक है जी। तो आप चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन वाल, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन द फर्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा कि इत्थे 14th विजिबल है। सिटीज़ रादर दैन रूरल एरियाज़ वर बैडली इफेक्टेड बाई द पेंडेमिक फ्लू, मतलब सिटीज़ वध इफेक्टेड सी पेंडेमिक फ्लू नाल एज कंपेयर टू रूरल एरियाज़, यदा मतलब ये है। तो जे अपन जी पैसेज पूरा पढ़िया होगा है ना, तो आपको पता लग जाएगा भी कित भी कंपेरिजन शो नहीं की गई सिटीज़ के रूरल एरियाज़ से भी कौन ज़्यादा बैडली अफेक्टेड सी पेंडेमिक फ्लू के नाल, ठीक है जी। तो अपना 14th का आंसर आजगा जी नॉट गिवन, 14th का आंसर इज नॉट गिवन। हूँ 15th की गल करते हैं, एट द टाइम ऑफ द फ्लू पेंडेमिक पीपल डिडेंट नो द लिंक बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इलनैस, मतलब फ्लू पेंडेमिक वेले लोगों को पता नहीं सी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इलनैस विचाले की लिंक है, की कनैक्शन है, की रिलेशन है। तो यह देखना हूँ आप आंसर कितने आऊगा जी, यदा आंसर है जी जिहड़ी स्लाइड थोनू विजिबल है उहदे लास्ट पैराग्राफ दे विच इहदा आंसर आएगा। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं आप स्टार्टिंग तो, बाय नाओ मतलब फ्लूड दे टाइम द थ्योरी दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ वॉज गेनिंग ग्राउंड, मतलब डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं ये वाली जिहड़ी थ्योरी सी ये प्रचलित सीगी, प्रचलित हो रही सी, ठीक है, मतलब लोगों को पता सी, पर क्वेश्चन कह रहा है भी लोगों को पता ही नहीं सी, तो अपनी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट होगी ना, इस करके अपनी 15 का आंसर लगेगा जी फॉल्स, 15 का आंसर इज फॉल्स। नाउ 16th वाल चलते हैं, अपना पीपल यूज टू बिलीव फ्लू वॉज कॉज्ड बाय मियासमास, मियासमास आप पढ़ांगे बैड एयर नू कहिंदे आ मियासमास, जिहदे विच गंदी हवा नू बेसिकली मियासमास कहा जाता है। क्वेश्चन की कह रहा है पीपल यूज टू बिलीव फ्लू वॉज कॉज्ड बाय मियासमास, भी लोग मानते सी भी जिहड़े फ्लू है वह मियासमास कॉज करते हैं, तो हम देखते हैं ट्रू है फॉल्स है नॉट गिवन है। सॉरी सेम पैराग्राफ जिहड़ा तुहानू विजिबल है स्लाइड उहदा लास्ट पैराग्राफ देखो, उस पैराग्राफ की सैकेंड लाइन इन द एबसेंस ऑफ अ जर्म मैनी क्लंज टू द ओल्ड आइडिया ऑफ बैड एयर्स और मियासमास, मतलब जर्म्स की एबसेंस च बहुत सारे लोग किहड़े आइडिया वाल जाते सी भी जिहड़ा फ्लू है वह मियासमास कॉज करते हैं, बैड एयर्स कॉज करते हैं, ठीक है जी। तो अपनी स्टेटमेंट अकॉर्ड होगी इन्फॉर्मेशन नाल, तो अपना आंसर की आजगा जी, अपना आंसर लग जूगा इहदा ट्रू, 16 दा आंसर इज ट्रू। हुण 17th क्वेश्चन देखते हैं की है फ्लू प्रिस्क्रिप्शन ऑफन कंटेन्ड हार्मफुल इनग्रीडियंट्स, मतलब फ्लू वास्ते जिहड़ा कुछ प्रिस्क्राइब किया जाता सी उहदे विच हार्मफुल इनग्रीडियंट्स हुंदे सी या नहीं हुंदे सी, कि इनग्रीडियंट्स की गल ही नहीं हुई वह देखना हुण आपां। हाँ जी जिहड़ी स्लाइड तुहानू विजिबल है उहदा फर्स्ट पैराग्राफ च इहदा आंसर है, थर्ड लाइन तो पढ़ो उस पैराग्राफ की,
ਐਲਕੋਹਲ ਫਿਗਰਡ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਅਮੰਗ ਦ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਵੀ ਐਲਕੋਹਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਨ ਐਮੀਨੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੁਜੈਸਟਡ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਕੋਹਲ ਹੀ ਹੈ ਆਲਦੋ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਬ੍ਰੈਂਡੀ ਐਮ ਇਨਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਹੈਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਵਿਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬ੍ਰੈਂਡੀ ਵੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਡਾਕਟਰਸ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਵਾਰਮ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਡਰਿੰਕਸ ਆਰਗਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਨੈਵਰ ਸੋ ਐਨ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਵਿਦ ਫਲੂ ਦ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਓਵਰ ਅ 3-day ਪੀਰੀਅਡ 1200 ਆਫ ਦ 1500 ਡਰੰਕਸ ਪਿਕਡ ਅਪ ਔਨ ਦ ਸਟਰੀਟਸ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਕਲੇਮ ਦੇਵਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਆਰਡਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਬੈਡ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਡ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਕੋਰਡ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 17 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 17 ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਆਂਸਰ ਮਿਲਣਗੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 19 ਦਾ ਆਂਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 18th ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 18th ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 19th ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 18th ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21st ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19th ਦਾ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਸਟਰਕਚਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦ ਕਾਰਬੋਲਿਕ ਸਮੋਕ ਬਾਲ ਇਹ ਕਾਰਬੋਲਿਕ ਸਮੋਕ ਬਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਦ ਕਾਰਬੋਲਿਕ ਸਮੋਕ ਬਾਲ ਵਾਜ਼ ਅ ਹੋਲੋ ਰਬਰ ਬਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਊਟਰ ਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਲੋ ਰਬੜ ਬਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਊਟਰ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਹੈ ਨਾ 21st ਐਰੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਊਟਰ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 21st ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ ਜੀ ਰਬਰ ਬਾਲ ਹੋਲੋ ਰਬਰ ਬਾਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ 3 ਵਰਡਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ 2 ਵਰਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਰਬਰ ਬਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਰ ਬਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਟਲ ਕੀ ਸੀ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਆਪਾਂ The carbolic smoke ball was a hollow rubber ball ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 5 centimeters across with a nozzle covered by gauze ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੌਜ਼ ਨਾਲ ਕਵਰਡ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 19th ਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ ਮੈਟਲ ਨੋਜ਼ਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਟਲ ਨੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 18th ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਗੌਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 18th ਹੋ ਗਿਆ 19th ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 21st ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 20th ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮੋਕ ਬਾਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਾਊਡਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ ਕਾਰਬੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਔਰ ਫਿਨੋਲ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਈਡ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਾਊਡਰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਸਮੋਕ ਬਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਪਾਊਡਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 20th ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਪਾਊਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 20th ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਓਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਨੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਫਸਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਲਿਲ ਮਤਲਬ ਮਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਲਿਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੋਰਥ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਰਿਪਲਾਈ ਬਟ $100 ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਮ ਟੂ ਬੀ ਸਨੀਜ਼ ਦੈਟ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਲਿਲ ਪਰਸਿਸਟਿਡ ਦ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੂਇਸਾ ਰਿਕਵਰਡ ਐਂਡ ਸੂਡ ਲੂਇਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੂਇਸਾ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਨ ਜੂਨ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਹੌਕਿੰਸ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਮਿਸਿਸ ਕਾਰਲਿਲਸ ਫੇਵਰ ਮਤਲਬ ਮਿਸਿਸ ਕਾਰਲਿਲਸ ਨੇ ਲੂਇਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ
हाँ जी, तो यद आंसर आऊगा जी सी स्टेटमेंट, इनिशिएटेड एट लीग, इनिशिएटेड अ लीगल केस, मतलब उन्हें सू करता सी है ना, तो रिकवर कर लिया सी, तो सू करता सी, एक लीगल केस हो गया, तो मिसिज कार्ली ने यह इनिशिएट किया सी, तो अपना 22nd आंसर आ गया जी सी ऑप्शन। ठीक है जी, हूँ अपना 23rd है जी, मिसिज कार्लिल्स हसबेंड, मिसिज कार्ली हसबेंड ने की किया सी, ये देखते हैं हूँ आप, सेम पैराग्राफ के आंसर है जी यदा, हाँ जी, देयर वॉज नो रिप्लाई, मतलब उत्थे कोई रिप्लाई नहीं सी, बट डॉलर पाउंड 100 वॉज नॉट अ सम टू बी स्नीज एट मिस्टर कार्लिल परसिस्टेंट, मिस्टर कार्लिल ने की परसिस्ट किया, मिस्टर कार्लिल कौन सी, मिसिज कार्लिल का हसबेंड ऑब्वियसली, उन्हें परसिस्ट किया भी जरा 100 pounds ये जी मनी सी, ये सम इन्ना क ज़्यादा नहीं सी। ठीक है जी, तो आप स्टेटमेंट देखते हैं, हम स्टेटमेंट की आऊगी यदि, तो यदि स्टेटमेंट आऊगी जी ए स्टेटमेंट, फाइल्ड अ कंप्लेंट विच वॉज नैवर रिस्पोंडेड टू, मतलब इन्हें कंप्लेंट फाइल की थी जिदे ते कोई रिप्लाई नहीं सी, आप पढ़िया सी ना भी देयर वॉज नो रिप्लाई विच वॉज नैवर रिस्पोंडेड टू, उपरले पैराग्राफ चो कंप्लेंट फाइल की थी उन्हें, नीचे वाले पैराग्राफ च आपां नूं पता लग गया सी वी देयर वॉज नो रिप्लाई, मतलब वो कंप्लेंट ते कोई भी रिस्पोंस नहीं सीगा, विच वॉज नैवर रिस्पोंडेड टू, ताहीं लग गया जी, तो अपना 23rd दा आंसर आ गया जी ए स्टेटमेंट। हुण आपां 24th वल चलते हाँ, जज हॉकिंस इन्हें की क्या सी, इन्हें की किया सी वो देखते हैं आप, भी सेम पैराग्राफ च ही है जी यदा आंसर भी, उस पैराग्राफ की लास्ट 3rd लाइन के नाम है जज हॉकिंस का। ठीक है जी, इतों कंटिन्यू करते हैं पढ़ना, जज हॉकिंस पॉइंटेड आउट दैट एडवर्ड्स वर नॉट एम्ड एट वाइज एंड थॉटफुल बट एट क्रेडुलियस एंड वीक, मतलब जज हॉकिंस ने की पॉइंट की आउट किया कि जिहड़ियां एडवर्टीजमेंट्स ने वो कदे एम नहीं करदियां सी, वाइज ते थॉटफुल नहीं सीगियां पर क्रेडुलियस ते वीक सीगियां। ठीक है जी, अ वेंडर हू मेड अ प्रोमिस मस्ट नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ओकेजनली ही इज हेल्ड टू हिज प्रोमिस, मतलब ये एडवर्टीजमेंट्स बारे कुछ दस्या होया उन्होंने, तो हुण आपां देखदे हां स्टेटमेंट कि अकॉर्ड कर रही है इस दे नाल इनफॉर्मेशन दे नाल, तो अपना 24th का आंसर आऊगा जी डी ऑप्शन, डिस्क्राइब द ऑडियंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब जी ऑडियंस ही एडवर्टीजमेंट से वो फ्रॉडुलेंट सी, मतलब फ्रॉड सी, वीक सी है ना, अपन दसता सी भी वीक, तो होर की सी, एक होर वर्ड गिवन सी आप चैक कर लें, वीक तो क्रेडुलियस सी। ठीक है जी, तो अगे भी दे रखे, अ वेंडर हू मेड अ प्रोमिस मस्ट नॉट बी सरप्राइज इफ ओकेजनली ही इज हेल्ड टू हिज प्रोमिस, मतलब जो उन्होंने प्रोमिस ना भी पूरा हो फिर भी वह सरप्राइज नहीं होना चाहिए लोगों, तो यह दस रहा भी एडवर्टिजम्स ने जिहड़ियां उन्होंने ऑडियंसिज होंगे वो फ्रॉडुलेंट होंगी एक तरह की। मतलब जी ये तो सॉरी ई ऑप्शन की गल कर गया ना मैं, सॉरी यदा आंसर आऊगा जी डी, डिस्क्राइब द ऑडियंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब ऑडियंस दसी एडवर्टीजमेंट की है, की दसी सी वी ओ वाइज ते एम नहीं करते, कहते एम करते क्रेडुलियस ते वीक ते एम करते हैं जिड़ी कि एक ऑडियंस होगी, तो अपना 24th का आंसर आ गया जी डी ऑप्शन। हुण आपां 25th क्वेश्चन वाल चलते हैं, लॉर्ड जस्टिस बोवन यदा की आंसर होगा वह देखांगे, यदा आंसर आऊगा जी नैक्सट पैराग्राफ दे विच, कार्बलिक अपील। ठीक है जी, लास्ट पैराग्राफ जिहड़ा तुहानू दिख रहा है इहदे विच, इन दिसंबर 3 लॉर्ड जस्टिसिज दी गल होगी ना, कंसीडर्ड द केस, कार्बोलिक्स लॉयर्स ट्राइड सैवरल लाइनस ऑफ डिफेंस बट इन द एंड द केस केम डाउन टू सिंगल मैटर, नॉट वैदर द रेमेडी वॉज यूजलैस और वैदर कार्बोलिक हैड कमिटेड फ्रॉड बट वैदर इट्स एडवर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अ कॉन्ट्रैक्ट विच द कंपनी हैड ब्रोकन, मतलब वह कहते एम करता सी भी वह देख रहा सी भी कितने वो एडवर्टीजमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं जरा कि कंपनी ने ब्रोक करता हो। ठीक है, तो उन्हें क्या सी भी एडवर्टीजमेंट्स एक टाइप दियाँ कॉन्ट्रैक्ट्स ही होंगे ने। तो अपनी स्टेटमेंट की आ गई जी, अपनी 25th का आंसर आ गया जी एफ स्टेटमेंट, ट्रीटेड एडवर्टीजमेंट एज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उन्हें क्या सी भी एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट
होना, उन्हें क्या सी भी जे कॉन्ट्रैक्ट है कोई एडवर्टीजमेंट गिवन है ना, जे वो पूरा नहीं हो रहा तो एडवर्टीजमेंट उन्हें एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट के तरह ही यूज़ किया। तो अपना 25th का आंसर आ गया जी एफ स्टेटमेंट। हूँ अपना लास्ट क्वेश्चन बच गया, चूज द करैक्ट लैटर, राइट योर आंसरस। वाई इज़ मिसिज कार्लिल्स केस ऑफन साइटेड इन प्रेजेंट डे कोर्ट ट्रायल्स, मतलब जिहड़ा मिसिज कार्लिल्स का केस है वो प्रेजेंट डे कोर्ट ट्रायल्स के क्यों देखा जाता, क्यों किया जाता है। तो ए ऑप्शन की है, इट प्रोवाइडेड द अनट्रस्टवर्दीनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, इट एस्टैबलिश्ड द वैलिडिटी ऑफ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, इट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट डिफेंडेड द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो यह आंसर लगेगा जी बिल्कुल लास्ट लास्ट लाइन चो पैराग्राफ की पैसेज की, जी थोड़ा लास्ट लाइन दिख रही है क्वेश्चन के उपर पैराग्राफ के नीचे। लुइसा गॉट हर पाउंड 100, द केस एस्टैबलिश द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिलेटरल एंड इज फ्रीकुएंटली साइटेड टूटले। यूनिलेटरल मतलब एक साइड का, एक ही चीज़ होनी, एक साइड होनी, तो फ्रीकुएंटली साइटेड टूडे साइड किया जाता है अजकल कोर्टरूम के, यूनिलेटरल आप वर्ड मिल गया है ना, तो उस हिसाब न आप ऑप्शन चूज करा यदि ऑप्शन की आऊगी यदि, तो यह आंसर आऊगा जी बी ऑप्शन, इट establish the validity of one sided contract, मतलब one sided unilateral हो गया है ना, तो होर कोई अपन वर्ड दिता नहीं होया, तो अपना आंसर आऊगा जी बी ऑप्शन। 26th का ऑप्शन इज बी। हाँ जी, तो इदा अपना कंप्लीट हो जाता है ये पैसेज। जो आप ओवरऑल गल करिए लैवल की, तो इस पैसेज का लैवल ईजी सगा, ईजी टू मॉडरेट, जो आप ग्रैमर थोड़ी जी आती है ना, इंग्लिश लैंगुएज से अपनी थोड़ी जी पकड़ हैगी है, तो ईजीली आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं इस पैसेज। हाँ जी, सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।